सो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस क्लास में। आज अपन टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अ गाउसियन मिक्सचर मॉडल। वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ द गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है उसके अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गाउसियन, एक आ रहा है मिक्सचर्स, मतलब क्या हो गया, एक साथ एक से अधिक गाउसियन कर्व्स आपके पास आ रहे हैं। गाउसियन कर्व्स क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अगर दो या दो से अधिक अगर गाउसियन कर्व्स आ रहे हैं तो उनको अपन गाउसियन मिक्सचर्स मॉडल बोलते हैं, और इसका यूज़ भी मशीन लर्निंग में किया जाता है। मशीन लर्निंग के अंदर, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर अपन गाउसियन मिक्सचर मॉडल पढ़ते हैं। सो टुडे आई जस्ट टेक अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गाउसियन मिक्सचर मॉडल, लिटल बिट थ्योरेटिकल एंड लिटल बिट मैथमेटिकल पोर्शन। बहुत सारा मैथमेटिक्स इसमें है, पर आज सिंपल सा जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज़ योर गाउसियन मिक्सचर मॉडल, वी आर डिस्कसिंग इट इन टू द अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम अंडर सेक्शन। एक टॉपिक अपना बचा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग। ठीक है, आई विल कवर इट ऑल्सो इन अपकमिंग क्लासेस। सो एज पर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक आपका है, इसके बाद यूनिट नंबर 3 आपकी खत्म हो जाएगी। सो अपन ने के मीन क्लस्टरिंग पढ़ा था, अगर आपको याद हो के मीन क्लस्टरिंग, तो उसमें अपन ने क्या किया था, अपने पास बहुत सारे डेटा थे, अपन ने के नंबर ऑफ क्लस्टर्स अपन ले रहे थे। के नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकालने के लिए अपन कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड है एल्बो मेथड। एल्बो मेथड भी अपन ने डिस्कस किया था। एल्बो मेथड से के की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर अपन ने रेंडमली 3 पॉइंट लिए। अगर एल्गो के की वैल्यू 3 है तो उस डेटा के अंदर 3 पॉइंट ले लिए जिसको अपन सेंट्रोइड मान रहे हैं। वन बाय वन सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस उस 3 पॉइंट से निकालेंगे, जिससे डिस्टेंस कम होगी उसमें अपन मिलाते जाएंगे और नए स्टैंडर्ड सेंट्रोइड की अपन काउंट करते जाएंगे, और एट द एंड अपने पास 3 सर्कल आ जाएंगे, या अपन कह सकते हैं 3 क्लस्टर आ जाएंगे। तो के मीन क्लस्टरिंग में होता क्या है, अपन जितना भी डेटा होता है उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं, और वो जो डेटा होता है वो हार्डली अपन कह सकते हैं हार्ड क्लासिफिकेशन होता है। हार्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अपन ये कह सकते हैं कि आप क्लस्टर वन में तो क्लस्टर वन में ही हो, क्लस्टर टू में आपका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लस्टर टू में है तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी क्लस्टर टू में है, और अगर आप क्लस्टर थ्री में तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी क्लस्टर थ्री में है। मतलब ये कोई परसेंटेज नहीं बताता कि आप पहले ग्रुप को कितना बिलोंग करते हो, दूसरे ग्रुप को कितना बिलोंग कर रहे हो। देर इज नो सर्टेनिटी दैट किस ग्रुप के अंदर कितना बिलोंग करोगे, बट यहाँ ये क्या बताता है एग्जैक्टली आप कौन से ग्रुप में कितना बिलोंग करते हो। तो इट इज़ नॉन एज अ हार्ड क्लासिफिकेशन। सो लेट हैव अ लुक। सो वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के मीन इज दैट इट हैड अ हार्ड क्लस्टरिंग मैथड्स, विच मीन्स दैट इट इज एसोसिएटेड ईच पॉइंट टू वन एंड ओनली वन क्लस्टर। हर एक पॉइंट किसी न किसी केवल और केवल एक क्लस्टर से ही एसोसिएटेड होता है। अ लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट देर इज अ नो अनसर्टेनिटी मेजर और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई सी चीज़ की अगर 100% है या 40% या 50% है, वो कितना सर्टेनली उसको अनसर्टेनिटी बता रहा है, कितना उसको बिलोंग करता है, उसको हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अभी अपन ने गाउसियन में देखा है ना, दैट टेल्स अस हाउ मच द डेटा पॉइंट एसोसिएट विद द स्पेसिफिक क्लस्टर, किस क्लस्टर से कितना जुड़ा हुआ है, दैट इज सिंपली नॉन एज अ सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी और वी कैन से प्रोबेबिलिटी। सो दैट अबाउट द यूजिंग द सॉफ्ट क्लस्टरिंग। सो इट इज अ हार्ड क्लस्टरिंग, किससे क्या पढ़ते हैं के मीन क्लस्टरिंग से। इन द केस ऑफ सॉफ्ट क्लस्टरिंग इंस्टेड ऑफ द हार्ड वन, दिस इज एग्जैक्टली वॉट गाउसियन मिक्सचर मॉडल। तो गाउसियन मिक्सचर मॉडल क्या करता है, इट इज सिंपली डिड द हार्ड क्लस्टर सॉफ्ट क्लस्टरिंग इंस्टेड ऑफ द हार्ड क्लस्टरिंग, और सिंपली GMM गाउसियन मिक्सचर मॉडल अटेम्प्ट टू डू। ये क्या करता है, ये निकालता है कि कौन सा क्लस्टर को कौन सा पॉइंट कितने परसेंट कितने प्रोबेबिलिटी से उसको कवर्ड कर रहा है। डेफिनेशन, नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ गाउसियन मिक्सचर मॉडल। सो अ गाउसियन मिक्सचर इज अ फंक्शन दैट इज अ कंप्राइज ऑफ सेवरल गाउसियन। सेवरल गाउसियन का मतलब, अभी अपन ने देखा गाउसियन ग्राफ होते हैं, तो बहुत सारे ग्राफ एक पर्टिकुलर फंक्शन में हो सकते हैं बाय द के, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ एक और है, तो अगर एक से अधिक ग्राफ है तो एक ग्राफ को के बोला, मतलब 1, 2, 3, 4, माना कि 3 ग्राफ है तो के की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3 होगी। वेर के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ द डेटा, माने कि 3 क्लस्टर है तो
गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन के कितने ग्राफ बनेंगे? तीन ग्राफ बनेंगे। इस गाउसियन के द मिक्सचर इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। फॉलोइंग पैरामीटर्स क्या होता है? देखो, देयर इज अ मीन वैल्यू। हर गाउसियन के मीन वैल्यू होती है। अभी अपन ने देखा, जब भी किसी फंक्शन की कोई वैल्यू निकालते हैं, देन वी हैव द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? उस पर्टिकुलर क्लस्टर की सारी वैल्यू को जोड़ के नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मीन वैल्यू। और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन कोवेरियंस। कोवेरियंस यहाँ पे एक अलग वर्ड है। कोवेरियंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने पर उसके साथ दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, उसको अपन कोवेरियंस यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, सो दैट डिफाइन इट्स वेट। वो क्या बताता है? उसकी वेट्स बताता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन कोवेरियंस बोल रहे हैं। दिस वुड बी इक्वलेंस टू द डायमेंशन ऑफ द एलिप्सॉइड इन अ मल्टी वेरिएबल सिनारियो। मल्टी वेरिएबल सिनारियो क्या है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। अ मिक्सचर प्रोबेबिलिटी पाई। अभी मिक्सचर प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि कौन सा पॉइंट किसको कितना बिलोंग करा है। दैट इज सिंपली नोन एज अ मिक्सचर प्रोबेबिलिटी। हाउ बिग और हाउ स्मॉल गाउसियन फंक्शन विल बी। गाउसियन फंक्शन कितना बड़ा होगा या कितना स्मॉल होगा एज पर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स हैव अ लुक। दैट्स वी हैव अ थ्री क्लस्टर्स। अपने पास तीन डेटा पॉइंट्स थे। एक डेटा पॉइंट ये था, एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है। ठीक है, अब इन डेटा पॉइंट्स का अपन ने गाउसियन ग्राफ बनाया। ये आपका गाउसियन ग्राफ है। ये सिंपली इट इज़ योर गाउसियन ग्राफ। इस गाउसियन ग्राफ के अंदर अपन ने एवरेज निकाला। दैट इज एवरेज नॉन एज अ म्यू वन, म्यू टू एंड म्यू थ्री। और ये वेरियंस देखेंगे आप, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखो ये क्या क्या है, ये वेरियंस वन, वेरियंस टू एंड वेरियंस थ्री। तीन वेरियंस है। वेरियंस वन क्लस्टर वन का ही, क्लस्टर टू का ही, क्लस्टर थ्री का। तीन ग्राफ है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने समझ लिया है, तो ये ग्राफ कैसे बना है, क्या है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? टेल मी। ओके, चलो, थैंक यू। सो हियर वी कैन सी देर आर थ्री गाउसियन फंक्शंस। तीन फंक्शंस हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो तीन फंक्शन, तो के कितना होगा यहाँ पर? K equals to 3. Now each Gaussian explain the data content in each of the three cluster available. तीन clusters के अंदर data किस तरीके से है वो सारा distribution ये बता रहा है Gaussian distribution के अंदर के, अगर अपन बात करें तो। Now नाउ अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर किसी के अंदर माना कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो इतने सारे पॉइंट्स के अंदर किसी भी पॉइंट की किसी क्लस्टर में अगर हुए, माना कि कोई पॉइंट जो है वो इन सारे के अंदर उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उन सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, तो प्रोबेबिलिटी का सम अगर अपन जानते हैं, सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? हमेशा वन होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं, हर एक क्लस्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज वन। तो पाई के मतलब पहले क्लस्टर, दूसरे क्लस्टर, तीसरे क्लस्टर के पॉइंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है कि किस ग्रुप को कितना बिलोंग्स कर रहे हैं उनका जो सम होगा दैट इज ऑलवेज वन। सो द मिक्सचर कॉफिशियंट आर देमसेल्फ प्रोबेबिलिटी एंड मस्ट बी मीट टू द कंडीशन दिस। तो मिक्सचर कॉफिशियंट, ये मिक्सचर कॉफिशियंट है पाई के, जो कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कितना परसेंट मौजूद है कौन से क्लस्टर में, और उनका सम क्या होगा? ऑलवेज प्रोबेबिलिटी सम विल बी वन। सो नाउ हाउ टू वी डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दिस मिक्सचर प्रोबेबिलिटी पाई। अब पाई का मतलब क्या हो गया? इसकी कोई, इस पॉइंट की पाई की वैल्यू, क्लस्टर वन के जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किस क्लस्टर को कितना परसेंट बिलोंग कर रहे हैं, या इसके ग्रीन पॉइंट जो है उसको कोई प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी अपन किस तरीके से डिफाइन करें। तो दो, वो जो प्रोबेबिलिटी अपन निकाल रहे हैं, उस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए जो चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉन एज अ गाउसियन मिक्सचर मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज अपन बात करें, अपन ने ह्यूमन का सर्वे किया, ठीक है, फिर अपन ने तीन क्लस्टर बनाए। तीन क्लस्टर कौन कौन से बनाए? मतलब एक डायबिटिक क्लस्टर बनाया है, एक क्लस्टर बनाया अपन ने बीपी पेशेंट के क्लस्टर बनाए, एक अपन ने क्लस्टर बनाया हार्ट पेशेंट्स का। ठीक है, तीन क्लस्टर बनाए हैं। अब उन क्लस्टर्स के अंदर नो डाउट कोई ना कोई पीपल्स होंगे,
तो उन पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन उन क्लस्टर में कितने परसेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मॉडल अपन यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ गाउसियन मिक्सचर मॉडल। तो ये गाउसियन मिक्सचर मॉडल क्या करता है, इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी इट बिलोंगिंग टू इन विच गाउसियन पर्टिकुलर मॉडल या गाउसियन फंक्शन। सो नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दिस मिक्सचर प्रोबेबिलिटी पाई पैरामीटर्स। To achieve this, we must ensure that each Gaussian fit to the data points belong to the each clusters. मतलब क्या हो गया, हर एक डेटा पॉइंट जो है वो Gaussian cluster जो अपन functions बना रहे हैं उसके फिक्स होगा as per the Gaussian requirement होना चाहिए। जो तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि Gaussian curve वह curve होता है जिसके अंदर जो फर्स्ट पॉपुलेशन होती है वो 68% होती है, सेकेंड पॉपुलेशन 98% होती है और 99.7% आपकी थर्ड टाइप की पॉपुलेशन होती है। तो लाइकली वेरी लाइकली लाइक मतलब बिलोंग्स टू लाइकली बिलोंग्स टू एंड वेरी लाइटली बिलोंग्स टू जो अपन ने देखा था। सो इन जनरल द गाउसियन डेंसिटी फंक्शन GDF गाउसियन डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, वी हैव टू बी रिमेंबर दिस फार्मूला। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो हो इसी तरीके से आपको हर जगह पर दिखेगा। क्या वैल्यू है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट अवर डेटा पॉइंट्स, जहाँ एक्स अपना क्या है डेटा पॉइंट्स की वैल्यू है। म्यू अपन ने पढ़ा है, म्यू अपन ने देखा था, म्यू का मतलब क्या होता है मीन वैल्यू। ये समेशन अपन ने देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ये गाउसियन स्टैंडर्ड क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपन समेशन बोल रहे थे। डी इज द नंबर ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशन है, कितने डायमेंशन का मतलब जब भी अपन कोई डेटा पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर कितने वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डायमेंशन। जैसे अपन बीपी काउंट कर रहे हैं, शुगर काउंट कर रहे हैं, साथ ही अपन हार्ट की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, तो जितने डायमेंशन अपन ले रहे हैं ऑफ ईच डेटा पॉइंट्स। म्यू एंड समेशन आर द मीन्स एंड द कोवेरियंस रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका मीन्स है और ये आपका कोवेरियंस है। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि अपन को याद करना है। तो ये क्या है, किसी भी पॉइंट का इन जनरल गाउसियन डेंसिटी फंक्शन, ये बता रहा है कि जो आपका पॉइंट है उसकी गाउसियन डेंसिटी वैल्यू क्या होगी इस रेस्पेक्ट टू द ऑल थ्री क्लस्टर्स, अगर इस एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो। सो दैट इज ऑल, इट इज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर फॉर टुडे। वी जस्ट सिंपली इंट्रोड्यूस व्हाट इज द गाउसियन फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय इट्स वैल्यू, ये सारी चीज अपन ने थोड़ा सा देखा। इसकी कुछ मैथमेटिक्स और है, so I will if we have a time then we will definitely take some more mathematical deeperly, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि real time example को Gaussian distribution function से किस तरीके से probability निकाल सकते हैं और किस तरीके से इसका use अपन machine learning के अंदर कर सकते हैं। so thank you friends, thank you very much।